156 सीआरपीसी में जो भी प्रार्थना पत्र वर्तमान में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो मैक्सिमम मैटर्स जो भी कोर्ट होती है वो कंप्लेंट के रूप में रजिस्टर्ड करने का आदेश करती है। और जब मान लीजिए ऐसा मामला कंप्लेंट के रूप में रजिस्टर्ड हो जाता है तो 200 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और 202 सीआरपीसी के अंतर्गत जो कंप्लेंट के विटनेसेस होंगे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ साथ एफिडेविट भी होनी चाहिए। तो कंप्लेनेंट तो जब 156 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देता है उसकी एफिडेविट उसी समय साथ में होती है, और जो विटनेसेस होती हैं उनकी एफिडेविट जब 202 का बयान होता है तो दिया जाता है या पहले भी दिया जा सकता है। अब मान लीजिए केस कुछ ऐसा है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया गया है कंप्लेनेंट के द्वारा, ना ही कोई मेडिकल एविडेंस दिया गया है, तो केस पूरा डिपेंड कहां पर हो गया? जो कंप्लेनेंट ने एफिडेविट फाइल की थी उस पर, जो बयान दिया था कोर्ट के समक्ष 200 सीआरपीसी के अंतर्गत उस पर, जो एफिडेविट विटनेसेस की दी गई थी उन पर, जो स्टेटमेंट हुआ था विटनेसेस का 202 सीआरपीसी के अंतर्गत उस पर। मतलब सारा मैटर डिपेंड कर जाता है स्टेटमेंट और एफिडेविट पर, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, कोई मेडिकल एविडेंस नहीं। और पता ये चलता है बाद में कि जो एफिडेविट दी गई थी उनमें कहीं ना कहीं मेजर डिफेक्ट है, गलतियां हैं, कुछ ऐसी त्रुटि है जो कि कंसीडर नहीं की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि एफिडेविट पर कंप्लेंट के हस्ताक्षर ना हो या जो विटनेसेस हैं उनके ही हस्ताक्षर ना हो, तो ये मतलब मान के चलिए कि ये ऐसा एरर है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो आपका केस है पूरी तरीके से वो इसी एफिडेविट पर है, क्योंकि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया नहीं, मेडिकल एविडेंस आपने कोई दिया नहीं, केवल विटनेसेस के स्टेटमेंट पर और कंप्लेंट के स्टेटमेंट पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश का जारी कर दी जाती है कि सम्मन या वारंट कि वह न्यायालय में उपस्थित हो। तो जाहिर सी बात है जो आपका केस का बेस है वो खाली एफिडेविट और स्टेटमेंट्स है, और उसमें अगर ऐसी त्रुटि होती है और न्यायालय ने अगर आदेश का जारी करने से पहले ऐसी त्रुटि को सुधार नहीं करवाया है, बिना सुधार करवाए हुए आदेश का जारी कर देती है, तो जो भी आरोपी व्यक्ति है उसके पास क्या उपचार बचता है, उसे क्या करना चाहिए, क्या रिवीजन फाइल करना चाहिए या 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल करनी चाहिए कि जो आदेश किया गया है उसे क्वेश्चन कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां कोई मेडिकल एविडेंस या कोई अनडॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया गया है और सारा मामला केवल स्टेटमेंट पर है और स्टेटमेंट में इस तरह से मेजर एरर है कोई, और उसके बाद भी इसको प्रोसेस कोर्ट ने कर दिया है 204 सीआरपीसी के अंतर्गत आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य वारंट जारी कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आरोपी व्यक्ति 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल कर सकता है और उस आदेश को चैलेंज कर सकता है कि जिस आधार पर इस आदेश को जारी किया गया है कहीं ना कहीं वह वैध नहीं है, क्योंकि जो कंप्लेनेंट के मान लीजिए अगर हस्ताक्षर नहीं है एफिडेविट पर या जो विटनेसेस उनके हैं उनके हस्ताक्षर नहीं है और उसको बिना मतलब सुधारे हुए क्लर्कल मिस्टेक को बिना सुधारे हुए आदेश जारी कर दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में वह आदेश रद्द होने लायक है और जो कंप्लेनेंट है वह 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाईकोर्ट में मतलब पिटीशन फाइल कर सकता है और ये प्रार्थना कर सकता है कि जो आदेश हुआ है वह अवैध है और उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई मेडिकल एविडेंस अगर नहीं है तो फिर ऐसे सिचुएशन में आरोपी व्यक्ति क्यों सफर करे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मान लीजिए अगर ऐसी कोई आदेश का आपके विरुद्ध जारी होती है तो आप जरूरी है कि पत्रावली जो है उसका अवलोकन अपने अधिवक्ता के माध्यम से करवाइए, और उस पर अगर कोई ऐसी त्रुटि पाई जाती है तो आप 482 सीआरपीसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, याचिका फाइल कर सकते हैं, और पॉसिबल ये है कि ऐसा आदेश क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं वो डिपेंड करते हैं एफिडेविट पर ही या स्टेटमेंट के बयान पर भी, मान लीजिए वहाँ पर हस्ताक्षर ना हो स्टेटमेंट पर ही जो विटनेसेस हैं या कंप्लेंट के, तो उस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि ये एरर ऐसा है कि जो विद के विरुद्ध है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके कमेंट आएँ उनका मैं समय से रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन कभी कभी चूंकि मेरे पास भी समय नहीं रहता है इसलिए मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई समय से नहीं कर पाता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।